हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं गई थी कल शॉपिंग करने के लिए, तो मैंने रिलायंस मार्ट से कुछ कुर्तियाँ ली थी। तीन कुर्तियाँ मैंने ली थी, तो ये थी सबसे पहली वाली और ये मुझे बहुत ही कम प्राइस में मिल गई थी। इसका प्राइस सिर्फ 299 था और ये बहुत ही सुंदर कुर्ती है, बहुत ही कंफर्टेबल है। इसका जो फैब्रिक है वो भी बहुत ही सॉफ्ट है और पहनने में बहुत प्यारी लग रही है। आप इसे जीन्स लेगिंग किसी पे भी पहन सकते हैं। ये थी मेरी दूसरी वाली कुर्ती, ये भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी और ये कॉटन में है और इसमें पॉकेट भी है। तो ये मुझे मिल गई थी 399 में। ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल थी पहनने में और काफ़ी ज़्यादा साइज़ भी थे इसमें। इसमें वी नेक है और इस पर जो लेस का वर्क था बाजू पे, ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और ये मुझे इसी वजह से पसंद भी आ गई थी। तो ये पहनने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो ये मुझे 399 में मिल गई थी। वहाँ पे काफ़ी सारी कुर्तियाँ थी जो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस थी। तो गाइस, आप भी ज़रूर जाइएगा अगर आपके आसपास लायंस मार्ट है। तो वहीं मैंने तीसरी कुर्ती ये वाली ली थी। ये वाली कुर्ती भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी और ये भी कॉटन में ही थी। इसे भी आप लेगिंग पे, प्लाजो पे, पैंट पे या फिर जीन्स पे भी आप पहन सकते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। आई होप आपको मेरी ये कुर्ती शॉपिंग का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही मुझे कॉमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएँ कि आपको इन तीनों कुर्तियों में से सबसे ज़्यादा अच्छी वाली कुर्ती कौन सी लगी।